जिला बार एसोसिएशन मुरादाबाद में आज बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन और सदस्य अजय कुमार शुक्ल ने जिला बार के सभागार में अधिवक्ता कल्याण निधि समिति द्वारा मृतक अधिवक्ता के आश्रितों को पहले 1.5 लाख रुपए मिलते थे, जो वर्तमान सरकार के सहयोग से अब ये धनराशि 5 लाख रुपए हो गई है और मिलने भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इसका लाभ उन्हीं अधिवक्ताओं को मिलेगा जो इस निधि समिति के सदस्य होंगे, तथा कुछ अधिवक्ताओं ने कुछ साल तक अपना शुल्क जमा किया लेकिन बाद में जमा करना बंद कर दिया, वे अपना समस्त शुल्क जमा करें तभी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस सभा को डीजीसी सिविल अजय गुप्ता, जयवीर सिंह, अनिल पाल सिंह, संजीव तिवारी, प्रकाश वीर सिंह, सोमपाल सिंह, ललित अरोड़ा, ध्रुव सक्सेना, अजय विक्रम, नीरज सोलंकी, शेर सिंह बोध, अरविंद चौहान, भीकम सिंह सैनी आदि ने संबोधित किया। अध्यक्ष हर प्रसाद ने की, संचालन महामंत्री सुरेंद्र पाल सिंह ने की, अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता कॉलोनी, पेंशन योजना आदि की मांग भी रखी। और अधिवक्ता कल्याणकारी योजना जो 1.5 लाख को बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दिया गया। ये योजना ऐसी योजना थी कि जिसको लागू करना सरकार के लिए बहुत बड़ा काम पता है। अधिवक्ता कल्याण की योजना को लेकिन बाद में उसका बजट वगैरह देगा तो वो मांग पूरी नहीं कर पाई थी। बात निकलकर आती थी कि आप जो भी योजना बता रहे हैं वो सारी मरणोपरांत है, जीवन काल में क्या है। आप लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ी मांग जिसका